सबको जय मसीह की। मसीह मसीह आशीष की है इस समय, वो हमें बहुत मदद करते हैं। आज डिवोशनल में मैं अभिषेक के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ, अनॉइंटिंग के बारे में। यीशु मसीह का नाम में भी, जैसे यीशु का मतलब बचाने वाला है और मसीह मतलब अभिषेक हुआ है, अभिषेक के बारे में उनका नाम है। और परमेश्वर हमें चाहता है हम ये अभिषेक हुआ जीवन जिए, हम मसीह जीवन जीने के लिए और परमेश्वर का कार्य करने के लिए बिना अभिषेक का हम कर नहीं पाएंगे। जैसे पानी काफ़ी चीज़ को साफ कर सकता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तेल अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जब कोई तेल से अभिषेक किया जाता है वो परमेश्वर का चुना हुआ और अलग किया हुआ, उनका कार्य के लिए अलग किया हुआ बंदा करके वो दिखाता है। और ये साधारण तेल नहीं है, ये अति पवित्र तेल है। जो कैसे बनाना है वो परमेश्वर निर्गमन 30 में बताया है। और एक और बात है, जब हम मसीह का जीवन अभिषेक के साथ हम जीते हैं, हमारा बंधन टूटता है, हमारा बोझ टूटता है, हमारा पाप, हमारा क्या क्या बंधन हो सकते हैं, बोझ हो सकते हैं, जैसे हमारा पाप हो सकता है, हमारा दुख हो सकता है, हमारा डर हो सकता है, कोई कमजोरी हो सकता है, किसी के साथ तुलना हो सकता है, भय हो सकता है, मतलब मौत का भय हो सकता है। ये सारे बंधन और बोझ को अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक टूटता है। पहले याजक लोग का अभिषेक किया जाता था कि परमेश्वर का कार्य करने के लिए, परमेश्वर का मंदिर में काम और कार्य करने के लिए। फिर हम देखे बाइबल में देख सकते पुराना नियम में राजा लोग का, फिर नबी लोग का भी परमेश्वर उनका अभिषेक किए हैं। निर्गमन 30 में हम देख सकते हैं जो आरन है, उनका बेटे लोग थे जो याजक हैं, उन्होंने याजक का वस्त्र पहन के उनके ऊपर तेल डाला गया है अभिषेक करने के लिए, परमेश्वर का कार्य वो पवित्र मंदिर में करने के लिए। और राजा लोग का हम 1 सामुएल 10 में देख सकते हैं, सामुएल ने सौल राजा को अभिषेक किया है। जब अभिषेक होते हैं, अभिषेक करते हैं, वो लोगों को, बाकी लोगों को दिखाता है कि ये परमेश्वर इनको चुना है ये कार्य करने के लिए। और जब अभिषेक होते हैं परमेश्वर उनको पवित्र करता है और उनका कार्य करने के लिए क्षमता और सामर्थ्य देता है। 1 सामुएल 16 में हम देख सकते हैं कि सामुएल ने दाऊद राजा को अभिषेक किया है, और मतलब बिना अभिषेक का कोई राजा कार्य नहीं किया। पहले अभिषेक करना है, मतलब परमेश्वर का काम करने के लिए, मसीह जीवन जीने के लिए पहले अभिषेक का अभिषेक होना ज़रूरी है। और 1 राजा 19:6 में हम देख सकते हैं एलाइजा जो नबी हैं, एलाइशा को अभिषेक किया, परमेश्वर ने बोला वो एलाइशा कार्य करने के लिए अभिषेक करना ज़रूरी है करके। और यीशु मसीह ने अपना जो सेवा का कार्य शुरू करने से पहले उन्होंने खुद अभिषेक, उनके ऊपर अभिषेक हुआ, मतलब उनका नाम में अभिषेक है, वो अभिषेक उनका ऊपर पूरा समय अभिषेक था, मगर हमें दिखाने के लिए वो उनके अंदर ये मनुष्यपन भी है और उसको भी, और हमें दिखाने के लिए हम अभिषेक का ज़रूरत के बारे में उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के पास जाके बपतिस्मा लिया। उसके बाद हम देखेंगे तो वो आसमान खुला, पिता परमेश्वर ने कहा ये मेरा पुत्र है जिसमें मैं मतलब प्लीज्ड हूँ, और एक कबूतर के तरह पवित्र आत्मा आया और यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने उनके ऊपर आए थे। तो उसमें परमेश्वर यीशु मसीह का अभिषेक
हम देख सकते हैं। उसके बाद ही उन्होंने उन्होंने सेवकाई करना शुरू किया। उन्होंने पाप का क्षमा के बारे में और हमारा पाप का माफ़ी पूछने के बारे में, स्वर्ग का राज्य के बारे में बता रहे थे लोगों को। और पुराना नियम में ये भी समझना मुख्य है कि पुराना नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आता था, मतलब परमानेंटली उनके अंदर कभी रहता नहीं था, परमेश्वर का कार्य करने के लिए ऊपर आता था। जब सॉल ने दाऊद को अनॉइंट किया, अभिषेक किया, 1 सामुएल 16 में हम देख सकते हैं, उसमें लिखा है पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, परमेश्वर का कार्य करने का क्षमता और सामर्थ्य देने के लिए पवित्र आत्मा आता है और कार्य परमेश्वर का कार्य करता है। मगर यीशु मसीह मरने और वापस जी उठने के बाद अभी हम सब मसीह लोग के अंदर पवित्र आत्मा परमानेंटली है, कभी हमें छोड़ के नहीं जाता है। और यीशु मसीह जैसे वादा किया हमें, वो वापस स्वर्ग जाने के बाद हमें एक सहायक भेजेंगे जो हमें मदद करेंगे हर चीज़ में। वो सहायक पवित्र आत्मा है, हम हर मसीह लोग के अंदर वास करता है हमारा मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए और परमेश्वर का कार्य करने के लिए। 1 पत्रस 2:9 हम देखते हैं अंत में, इसमें यह लिखा है पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ये बहुत मुख्य वचन है कि हम अंधकार में थे, परमेश्वर हमें अद्भुत ज्योति में, रोशनी में लेके आए। और उसी समय इसमें क्या लिखा है, हम चुने हुए वंश हैं, परमेश्वर हम सब मसीह लोगों को चुने हैं। और वो ये वचन ये भी कह रहा है हम लोग राजा हैं, हम लोग याजक हैं और परमेश्वर के बारे में, उनका गुण के बारे में हम प्रकट करना है। जब वचनों हम प्रकट करते हैं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रकट करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, हम नबी भी हैं। और जैसे हम देख रहे थे परमेश्वर का कार्य करने के लिए जो राजा लोग, नबी लोग और याजकों का अभिषेक करते थे पुराना नियम में, अभी भी हमारा सब मसीह लोग का अंदर पवित्र आत्मा है, हम लोग ऑलरेडी अभिषेक हुए हैं परमेश्वर का कार्य करने के लिए, मसीह का जीवन जीने के लिए। सो पवित्र आत्मा के साथ हम व्यक्तिगत रूप में संबंध रखें और पवित्र आत्मा से हम बढ़ें रोज और उनका जीवन, मसीह का जीवन जिए।